हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केन कोर्सो वर्सेस यूरोपियन डोबरमैन, दोनों में से कौन सी एक डॉग ब्रीड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी और किस कंडीशन में रहेगी। वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लॉयल्टी के मामले में। लॉयल्टी के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड हद से ज़्यादा लॉयल होती है फैमिली को लेकर, और किसी भी हद तक जा सकती है फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ पे मैं बात करता हूँ यूरोपियन डोबरमैन और काने कोर्सो के बीच में, मैं ये नहीं कह सकता कि काने कोर्सो ज़्यादा लॉयल है या फिर यूरोपियन डोबरमैन। दोनों ही डॉग ब्रीड हद से ज़्यादा लॉयल होती है फैमिली को लेकर और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होती है। इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे डोबरन काफ़ी अच्छी बाजी मार जाता है, क्योंकि यूरोपियन डोबरन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है कंपेरेटिवली काने कोर्सो के, और आपको उसे ट्रेन करने में भी काफ़ी कम टाइम लगेगा। वहीं पे मैं बात करता हूँ काने कोर्सो की, तो काने कोर्सो को आपको ट्रेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे ट्रेन नहीं कर सकते। लेकिन कंपेरिजन वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा ईजी टू ट्रेन और कौन सी इंटेलिजेंट है। तो वहाँ पर पॉइंट जानते हैं यूरोपियन डोबरमैन को। एग्रेसिवनेस की बात करते हैं दूसरे बच्चों के लिए और साथ में दूसरे एनिमल्स के लिए, तो दोनों ही केसेस में दोनों ही डॉग ब्रीड एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप उन्हें अर्ली से सोशलाइज कर रहे हो। अगर आप उन्हें अर्ली से सोशलाइज कर रहे हो दूसरे पैट्स के साथ, साथ में बच्चों के साथ, तो आपको कोई भी केस ऐसा देखने को नहीं मिलेगा काने कोर्सो और यूरोपियन डोबरमैन का कि उन्होंने अटैक कर दिया हो। हाँ, डोबरमैन के आपको कई केसेस देखने को मिल जाते होंगे कि डोबरमैन ने बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, तो वो खाली उसी चलते होते हैं कि आप उन्हें ढंग से सोशलाइज़ नहीं करते। अगर आप ढंग से सोशलाइज डोबरमैन की बात करते हो तो आपको ऐसे कोई केस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी दोनों को बराबर पॉइंट देना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के हिसाब से मैं कहूँगा कि यूरोपियन डोबरमैन थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा कंपेरेटिवली केन कोर्सो, अगर आप उन्हें प्रॉपर टाइम दे सकते हो। तो अगर आप केन कोर्सो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, आप संभाल लोगे इजीली, लेकिन उसे प्रॉपर टाइम देना। अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो मत लेना दोनों ही डॉग ब्रीड में से, क्योंकि दोनों डॉग ब्रीड को प्रॉपर टाइम चाहिए होते, एक अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप उन्हें वो अटेंशन नहीं दे सकते तो मत लेना, फ़ायदा नहीं, आप भी परेशान होगे साथ में आपका डॉग भी सफ़र करेगा। अब बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले, डॉग जंक्शन आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लेके आया है पैराडाइज ऑफ पैट के नाम से, जिस पे आप अपनी पसंद की कोई भी पैट को सेल कर सकते हो। साथ में अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो बाय भी कर सकते हो, और अगर आप सेल करते हो तो आप फ्री में ऐड पोस्ट कर सकते हो। आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐड पोस्ट करो, साथ में अपना नंबर दो, जो भी बायर इंटरेस्टेड होगा वो डायरेक्ट आपके पास कॉन्टैक्ट करेगा। सिंपल इंटरफेस है, आप ज़्यादा जानकारी लेके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक। अगर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है, कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में एक Q&A टाइप बना दूं। तो आगे बढ़ते हैं, अपार्टमेंट लिविंग के हिसाब से दोनों ही डॉग ब्रीड सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका 3 BHK का अपार्टमेंट है, आपका लाइफस्टाइल ज़्यादा रनिंग वाला नहीं है, मतलब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड घर में करते हो, वर्क फ्रॉम होम या फिर आपका घर का ही काम है ज़्यादातर, आपके घर में मेंबर भी रहते हैं, तो आप एक बारी को काने कोर्सो की तरफ जा सकते हो, क्योंकि काने कोर्सो का लाइफस्टाइल थोड़ा सा स्लो है, वो ज़्यादा एक्सरसाइज पसंद नहीं करता एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन डोबरमैन, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड है। गार्डिंग के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड टॉप नॉच है, ऐसे नहीं कह सकता कि दोनों डॉग ब्रीड में से यूरोपियन डोबरमैन ज़्यादा अच्छा गार्ड होगा या फिर काने कोर्सो नहीं है। दोनों ही डॉग ब्रीड अच्छी गार्डिंग करेंगे, आपको गार्डिंग से रिलेटेड दोनों ही डॉग ब्रीड में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे हैं गार्डिंग के मामले में। हेल्थ इशू की बात करते हैं तो दोनों ही डॉग ब्रीड में जायंट साइज़ की और लार्ज साइज़ के में चले जाते हैं, तो इनमें आपको हेल्थ इशू ये चीज़ देखने को मिलते हैं, हिप डिस्प्लेशिया हो गया, एल्बो डिस्प्लेशिया हो गया, स्किन प्रॉब्लम्स हो गए, ईयर प्रॉब्लम्स हो गए। काने कोर्सो में एक प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो वो चीज़ भी एक फैक्टर आ जाता है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर आप आइज़ की प्रॉब्लम लेके चलते हो तो आपका यूरोपियन डोबरमैन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है कंपेरेटिवली। अगर आइस की प्रॉब्लम से आपको दिक्कत नहीं है तो आप दोनों डॉग ब्रीड में से किसी की तरफ भी जा सकते हो। दोनों डॉग ब्रीड को आप इजीली रख सकते हो हॉट क्लाइमेट में भी और कोल्ड क्लाइमेट में भी। मैं ये कहूँगा कि गर्मी का अगर धूप का टाइम है तो अपने डॉग को अंदर ही रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना उनमें हीट स्ट्रोक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकी प्राइस की बात करते हैं तो दोनों ही डॉग ब्रीड का जो स्टार्टिंग प्राइस पड़ता है वो आपको 40-45,000 से स्टार्ट हो जाएंगे, कई केसेस में 35,000 के भी मिल जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी पे बात चली जाती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाओगे तो लैक्स तक में भी जाते हैं, आपके बजट पर आपकी क्वालिटी पे बात जाती है, आप किस ब्लड लाइन का बच्चा ले रहे हो, किस क्वालिटी का बच्चा ले रहे हो, उसके हिसाब से प्रॉपर प्राइस डिपेंड कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि इनका प्राइस फिक्स रहता है, वो ब्रीडर टू ब्रीडर भी डिपेंड कर जाता है कि क्या प्राइस वो आगे सेल कर रहे हैं और कितना रेपुटेड ब्रीडर है। जितना रेपुटेड ब्रीडर होगा उसका प्राइस उतना ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ भी फैक्टर डिपेंड करते हैं, आप किससे पप्पी ले रहे हो, कितने का पप्पी ले रहे हो, वो हर चीज़ डिपेंड कर जाएगी। होप करता हूँ ये वीडियो ने आपकी हेल्प की हो। अगर वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो आपके अकॉर्डिंग कौन सी डॉग ब्रीड आपकी फेवरेट है, काने कोर्सो या फिर यूरोपियन डोबरमैन, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी डॉग ब्रीड फेवरेट है, जिससे कि मेरे को पता चल जाए।
अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 10,000 आपके एक एक सब्सक्राइब के साथ हम अचीव कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों के लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।